अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर आप लोगों की फुल फैट होनी चाहिए। नीरोग जो मिल्क पाउडर है वो फुल फैट है। 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून वाटर इसमें शामिल करेंगे और फिर हैंड विस्कर से इसे अच्छी तरह से विक्स करेंगे ताकि दूध की जो गुठलियाँ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस आप लोगों को किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इसे अच्छी तरह से विक्स करेंगे फिर साइड पे रख देंगे। अब हम एक ब्लेंडर की जार में फुल फैट क्रीम यानी व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम आप लोग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा व्हिपिंग क्रीम से आप लोगों की आइसक्रीम की रिज़ल्ट अच्छी आएगी। आप लोग किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नूरपुर डेरी क्रीम इस्तेमाल की है। यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड किया है ताकि जो क्रीम है वो अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। अब इसमें हम जो मिल्क पाउडर की मिक्सचर बनाई थी वो शामिल करेंगे, फिर 4 टेबलस्पून शुगर शामिल करेंगे, और इसे फिर से ब्लेंड होने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से ये क्रीम थिक हो जाती है और साइज में भी ट्रिपल हो जाती है। अब इसे साइडों से स्क्रब करके 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। अब 2 घंटे के बाद इसे आप एक बाउल में डाल दें, फिर इसे अच्छी तरह से विस्क करें। इसी तरह से हम इसे 5 से 10 मिनट तक विस्क करते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास हैंड विस्कर की मशीन है तो वो इस्तेमाल करें। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है, थिक हो गया है और साइज में भी डबल हो गया है। अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। फिर इसे कोकोनट और चॉकलेट चिप से गार्निश करेंगे। आप लोगों को जो पसंद हो वो शामिल करें या इसे गार्निश करें, या आप लोग इसी तरह प्लेन भी इसे खा सकते हैं। फिर इसे फ्रीजर में ओवरनाइट रखें या 8 घंटे तक रख दें। यहाँ पर मैंने इसे सर्व करने के लिए 10 मिनट पहले फ्रीजर से निकाल दिया था। अब आप लोग इसकी टेक्सचर देखें, ये आइसक्रीम बहुत मज़े की बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये रेसिपी आप लोग ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।